सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? हाई होप सर वो बढ़िया हो गए। आज वैसे ये वीडियो शूट करने का मन तो नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं परेशान हूँ एंड आप लोग भी परेशान हो। आप लोग पूछे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ। भाई काफ़ी दिन से आप लोग भी नोटिस कर रहे होगे कि मेरे चैनल पे वीडियोज सही से नहीं आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं जानबूझ कर नहीं डाल रहा हूँ, या तो फिर मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ? बहुत सारा सवाल माइंड में आ रहा होगा आप लोगों को कि दीपक भाई आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है, आपका व्यू 1,000 2,000 आ रहा है और आपका सब्सक्राइबर माइनस हो गया है, मतलब 4 था 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, ऐसा क्यों? तो बस यह सब चीज़ के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ टाइम है आप लोगों के पास तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड सारी सवालों का जवाब आप लोगों को देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो ये टॉपिक है, इसके बारे में बनाने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, यार कैसे बनाऊँ क्या करूँ, बट आज सडनली मेरे को बनाने का मन करा। अभी जो टाइमिंग आप लोगों को दिखा दूँ तो बिलीव नहीं करोगे, अभी रात के आई थिंक 2 बजने वाले हैं, 1:49 हो रहा है और रात के 1 बजे बना रहा हूँ। एक्चुअली नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी जो हालात है ना हमारे साथ, वो सब चीज़ों के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचा चलो यार ये चीज़ें वीडियो में डिस्कस करें, थोड़ी सी सोल्यूशन मिल जाए। तो खैर छोड़िए ये सब बातें, मेन पॉइंट पे आते हैं क्या चीज़ें हो रही है। तो आप लोग का भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई आपका सब्सक्राइबर क्यों माइनस में हो रहा, व्यूज क्यों नहीं, क्यों डाउन हो गया? तो इसके पीछे रीज़न है, कई सारे लोग बोलते हैं कि आप कंटेंट चेंज करो, आपका कंटेंट में थोड़ा सा इशू है। बट सीन ये है कि आज से साल भर पहले मेरे चैनल पर व्यूज बिल्कुल ठीक आ रहा था, मतलब जो भी वीडियो डालूँ उस पर 10,000 15,000 20,000 ऐसे समथिंग व्यू आ रहा था, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। बट अचानक से ऐसा क्या हो गया जो सब्सक्राइबर में माइनस में हो रहा और व्यूज भी पूरा एकदम डाउन हो चुका है? आज के डेट पर अगर देखोगे मेरे चैनल पर तो 2,000 3,000 1,000 2,000 ऐसे व्यू आ रहा है। एंड मैं लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से पूछा भी था कि यार मैं ना डेली ब्लॉगिंग करने के लिए छोड़ने वाला हूँ, मन करता था मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ, मन तो करता है कि यूट्यूब ही छोड़ दूँ क्योंकि कुछ हो नहीं रहा। सो गाइज, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि डेली व्लॉगिंग करना सही रहेगा या तो मैं एक दिन बीच के व्लॉग करूँ। एक्चुअली कई सारे लोग बोलते हैं ना कि डेली व्लॉग करना बहुत आसान है, एक्चुअली आसान नहीं है। कई सारे लोगों को देखने में और बोलने में बहुत आसान लगता है बट करने में बहुत हार्ड है। डेली व्लॉगिंग करना तो चलो ईजी है, जो भी कर रहे हो आप लोग दिखा दो कर लो, बट 1 दिन करोगे 2 दिन करोगे 5 दिन करोगे 10 दिन करोगे, उसके बाद ना आपको डेली एक जैसा ही करोगे, उसमें जो कंटेंट निकलना होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। चलो जो लोग कह रहे हैं उन लोगों के लिए नॉर्मल ही मान लेते हैं। तो यही सब देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन बीच के व्लॉग डालूँ, या तो फिर आप लोग अगर कमेंट में बताओगे तो शायद मैं डेली व्लॉग करूँगा। बाकी ऐसा रिस्पॉन्स दे के बिल्कुल ही हिम्मत टूट गया कि यूट्यूब करूं। सही चलता है ना तो काम करने में भी बहुत मज़ा आता है, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, बट वही चीज़ें बिगड़ जाए पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत अजीब लगता है। 1 लाख है व्यूज, 2,000 3,000, बट मुझे पता है व्यू मायने नहीं रखता, बस आप अपना काम पे कितना डेडिकेशन दे रहे हो ये मायने रखता है, बट जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना तो काम करने का मन नहीं करता है। खैर ये सब छोड़िए, ये सब तो बस एक वर्ड है जो डिमोटिवेट करता है इंसान को और मैं हो जाता हूँ। इसी बीच आप लोग का जो प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है। जब चैनल सही चल रहा था तो सब चीज़ सही था, बहुत सारा लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम ट्रेवलिंग वीडियो बनाओ, बट ट्रेवल वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि घूमने में भी काफ़ी इन्वेस्ट होता है, काफ़ी खर्च होते हैं, वो सारा चीज़ें मैनेज करना अभी के सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था आप लोगों को पता ही है, पेमेंट वगैरह भी कुछ नहीं आएगा और मेरे सब्सक्राइबर ना प्रतिदिन माइनस हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा। मेरे एक और चैनल है जिस पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं बट इस पे माइनस ही हो रहा है। पहले 1,04,000 था, फिर 1,03,000 हुआ, अब 1,02,000 हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा। मैं सोच रहा हूँ यार कि 1 लाख होने के बाद लोग बढ़ते हैं मैं घट रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्या गलती कर दिया हूँ। मुझे यह सब चीज़ें सोच सोच के ना मेरा सर फट जाता है कभी कभी कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, बट कोई नहीं। आप लोगों को पता है कि मैं आज आज जो भी चीज़ें कर रहा हूँ
सब यूट्यूब की वजह से कर रहा हूँ, और अभी तो पूरी बिगड़ गई है। मैं बाइक भी ख़रीदा था तो यूट्यूब की वजह से ही ख़रीदा था, फ़ोन भी ख़रीदा यूट्यूब की वजह से, घूम रहा हूँ तो यूट्यूब की वजह से। एंड अभी वो चीज़ें बहुत हार्ड हो चुकी है, क्योंकि पेमेंट का भी ऐसा सीन है कि अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो पेमेंट भी नहीं आएगा, पेमेंट भी नहीं आएगा तो हम चीज़ें कर भी नहीं पाएंगे। घर वालों का भी अलग ही रिएक्शन है, उनको पता है कि क्या सीन हो रहा, तो उतना भी वो बोलते नहीं है। होगा यार, होगा, बस लगे रहना, आप लोगों का साथ चाहिए, बस लगे रहना। तो गाइज, रही बात सब्सक्राइबर माइनस होने की, तो वो इसलिए माइनस हो रहा है क्योंकि अभी नॉर्मली कोई वीडियो चल नहीं रहा। जब वीडियोज नहीं चलते हैं ना तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता नहीं घटता है, और जो जो पुराने पुराने ऑडियंस है शायद यूट्यूब की वजह से ऐसा हो रहा है। जो लोग बात नहीं कर पा रहे उन लोगों को खुद ब खुद अनसब्सक्राइब हो रहे हैं, या तो लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। जब वीडियो चलने लगेगा थोड़ा सा तो सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बने रहना। और व्यूज की रही तो व्यूज भी वही सीन है कि व्यूज अभी थोड़ा सा डाउन है, एंड हमें अभी थोड़ा मेहनत करना अच्छी तरह से, एंड थोड़ा सा अभी सपोर्ट भी बनाए रखना और व्यूज सही हो जाएंगे यार। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी है, और ऐसा नहीं है मेरा ही हो रहा, बाकी और अदर चैनल का भी देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा मेरे साथ साथ भी, मेरा तो है ही बट अदर चैनल का भी देख रहे थे उनका भी डाउन चल रहा, तो बोल सकते हैं कि अभी यूट्यूब में भी कुछ ना कुछ ग्लिच चल रहा है कि ऐसा व्यूज डाउन है। और बाकी मेरे अनुसार से लगता है कि मेरे कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से डाउन चल रहा है, बट कोई नहीं, मेरे मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं सही कर लूँगा। यहाँ जीरो से यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो यहाँ से आगे भी जाऊँगा ज़रूर। बस बीच बीच में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता जिस वजह से चीज़ें उलट उलट जाती है, काम सही से नहीं कर पाता हूँ, तो बस यह सब चीज़ें रहा। एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को सपोर्ट बनाए रखना एंड कमेंट में थोड़ा सा मोटिवेशन दे देना। और बाकी रही वीडियोज टाइम से ना आने की, तो वीडियोज भी टाइम से आएगी, एंड मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूँ करने का, तो उस वजह से एक दो दिन बीच हो जाएगा, बट गाइज वीडियो भी टाइम से आएगी, कभी शाम से कभी सुबह आ जाती है, बट कोई बात ना, आप लोग चिंता मत करना, बट हाँ डेली व्लॉग जरूर आएगी, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट वीडियोज डेली आएगी एंड ज़रूर आएगी। बस आप लोग प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना, अगर लेट हो रहा है तो कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ तो इस वजह से वीडियोज लेट हो रहा है, बाकी आप लोग वेट करना। एंड डेली वही टाइमिंग है 9 बजे, 9 बजे आएगी, और अगर बर्नर 9 बजे नहीं आई तो शाम को 3 बजे आएगी, तो ये दो टाइमिंग में मैं वीडियो डालता हूँ, 9 बजे या तो 3 बजे, तो आप लोग प्लीज़ वेट करना एंड फर्स्ट लाइक करके इंस्टाग्राम पे भी मेंशन करना, मैं स्टोरी मेंशन बैक देता हूँ। चलो खैर छोड़ो, बस आप लोग लाइफ में खुश रहो, हमारा वीडियो देखो एंड हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे आप लोगों को चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने के लिए। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आ रही होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड वक्त में मैं यही कहना चाहूँगा, और कुछ नहीं, बस बस हाँ आप लोग प्यारा से कमेंट कर दीजिए आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहा, क्योंकि उससे ना आपको एक कमेंट लगता होगा बट हम जैसे क्रिएटर को एक मोटिवेशन मिलता है, हर एक कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होता है, पढ़कर दिल खुश होता है, काम करने का एनर्जी जगता है, तो बस अपनी तरफ से कमेंट कर देना भाई जो भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगे, गाली देना वो भी दे सकते हो, कुछ अच्छी बातें करना वो भी कर सकते हो, बट कमेंट ज़रूर कर देना। और बाकी फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और प्यार बनाए रखना बस।